जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं आपको बारिश के विषय में, जब हल्की हल्की बारिश आती है और जब आपके फूल काफी अच्छी संख्या में खिल चुके होते हैं, तो उस स्थिति में फूलों को कैसे बचाया जाए, इसी विषय पे आज हमारा विषय है। अच्छा, आशा है कि आपको पसंद आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, गार्डनिंग करने के लिए सबसे जरूरी होता है आपके पास थोड़ा बहुत ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां आप अपने अपने फूलों को स्टोर कर सकते हो, उन्हें बचा सकते हो बारिश से, ओलों से या बारिश से आप उन्हें बचा सकते हो। यदि किसी भाई के पास ज्यादा स्पेस नहीं हो तो मेरी तरह ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि मैंने कैसे एडजस्ट किया, अपने फूलों को कैसे बचाया। कल हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मुझे ये सारे फूलों को नीचे लाना पड़ा। तो आप भी देखिए कि मैंने कैसे एडजस्टमेंट किया। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, कुछ पौधे मैंने, जो पिटूनिया थे वो मैंने यहाँ ऐसे ग्राउंड पे रख दिए। कुछ आप इधर ऐसे भी लगा सकते हो साइड में, इससे कोई फूलों को कोई नुकसान नहीं होता। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि स्पेस को कवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये देखिए, मैं अब स्टेयर पे चढ़ रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने स्टेयर के ऊपर एक एक करके ऐसे ऐसे अपने ये पौधे रखे हुए हैं। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरह अगर जगह नहीं हो तो आप इस तरह भी अपने पौधों को रख के रख सकते हो। ये देखिए, ऐसे आप अपने पौधों को रख सकते हो। इधर देखिए, ये मेरे पास थोड़ी सी जगह यहां ऊपर थी, तो कुछ पौधे मैंने यहां रख दिए, कुछ पौधे मैंने नीचे रख दिए। ये आपको दिखाने के लिए कि ऐसे पौधों को आप रख सकते हो और अपने पौधों को बचा सकते हो, क्योंकि अगर एक बार इन फूलों पे बारिश की बूंदे गिर जाती है तो इनकी वो चमक चली जाती है, जो इनकी वास्तविक चमक वो रहती नहीं। तो इसलिए अपने पौधों को बारिश से आपको बचाना चाहिए। ये देखिए, और दूसरी बात, यदि किसी के पौधे बारिश में भीग जाएं और इस तरह से और नहीं करें, तो वो भीगे हुए जो फूलों के फूल हैं उनको आप निकाल दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे वो ना तो उनमें वो चमक रहती है और इससे जल्दी ही दूसरे फूल आपके निकल आएंगे। तो सबसे बेस्ट उपाय तो ये है कि आप अपने पौधों को इस तरह बचाएं, क्योंकि आप मेहनत करते हो तो आपकी सारी साल की मेहनत ऐसी ही आपकी खराब चली जाती है। ये देखिए, इस तरह आप स्पेस बना के आप अपने पौधों को रख सकते हो। ये देखिए, जिन पौधों में जो फूल आ चुके हैं उन्हीं में आप ये ऐसा करना आपको जरूरी होता है, और जिनमें अभी कलियां नहीं बनी है उन्हें आप बाहर रख सकते हैं। तो ऐसा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।